बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू ऑल आर वेल। आज की स्टोरी में आज हम बहुत ही कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है आज की, जो रिलेटेड है RMS टाइटैनिक से। और ये मूवी आपने देखी भी होगी, कुछ ने सुनी भी होगी। तो आज हम इस बारे में बात करेंगे कि टाइटैनिक किस तरह डूबा, टाइटैनिक के डूबने की क्या वजूहत थी, और जानेंगे। कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है 10 अप्रैल 1912 की। RMS टाइटैनिक अपने दौर का सबसे लग्जीरियस शिप, अपने दौर का, अपने वक्त का, अपने पहले सफ़र की तरफ निकलता है। ये जहाज़ ट्रैवल कर रहा है साउथहैम्पटन से न्यूयॉर्क की जानिब, और इस जहाज़ में बहुत सारे पैसेंजर्स बैठे हुए हैं जो एब्रॉड कर रहे हैं न्यूयॉर्क की जानिब। वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एक्टर हैं, इमिग्रेंट हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो अमेरिका की ओर जा रहे हैं अपनी बेहतर ज़िंदगी की तलाश में। टाइटैनिक इस दुनिया की सबसे बड़ी और मोस्ट लग्जीरियस शिप थी, और इस शिप में बहुत सारे, आपको मैंने जैसा बताया अभी कि बहुत सारे पैसेंजर्स जो हैं वो ट्रैवल कर रहे थे इस शिप के अंदर। इस शिप की कमांड संभाले हैं 62 साल के सीनियर कैप्टन, उनका नाम जो है कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ है। और कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ जो है वो टाइटैनिक की जो है वो कमांड को संभाले हुए हैं। इसमें बहुत सारी एक्साइटमेंट्स हैं रिगार्डिंग इस शिप को लेके और उसके पैसेंजर्स को लेके, पब्लिक में भी है, मीडिया में भी है। और क्योंकि ये दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट शिप है, जो कि लेंथ में 269 मीटर और हाइट में 53 मीटर ऊंची है। इस शिप में बहुत सी लग्जरी इस्तेमाल है जिसको देख के बहुत सारे लोग जो हैं वो इंस्पायर हैं इस शिप को देख के। इस शिप की बिल्टअप कॉस्ट जो उस दौर की, यानी 1912 की कॉस्ट जो पड़ी थी, वो 7.7 मिलियन डॉलर पड़ी थी, जो कि आज की इन्फ्लेशन को अगर मिला के हमारे अकाउंट में डाला जाए तो 450 मिलियन डॉलर बनती है। इस जहाज़ की सबसे खास बात ये थी कि इस जहाज़ को अनसिंकेबल जहाज़ कहा गया था। इस जहाज़ में बहुत सारी डेकोरेशन थी इसके अंदर की तरफ, इसके अंदर इस जहाज़ की खूबसूरती ये थी, इसकी लग्जरीज ये थी कि ये जहाज़ 5-स्टार होटल्स को भी पीछे छोड़ देगा। इस जहाज़ के अंदर स्टेन ग्लास मिरर्स लगे हुए थे, ऑर्नेट वुड पैनलिंग लगी हुई थी, 2 ग्राउंड स्टेयर्स थे बड़े बड़े, एक 1 हीटेड स्विमिंग पूल था, टर्किश बाथ था, इलेक्ट्रिक बाथ था, एक जिम था, एक स्क्वाश कोर्ट भी इस जहाज़ में मौजूद था, 4 रेस्टोरेंट थे, 2 बार्बर शॉप भी इस जहाज़ के अंदर मौजूद थी। मोर ओवर ये कि इस जहाज़ में 2 किस्म के सेफ्टी फीचर्स थे जो कि इस जहाज़ को बनाने में लगाए गए थे। वो 2 फीचर्स ये थे कि इस जहाज़ की सबसे बड़ी खासियत जो मैं आपको बता चुका हूँ कि ये जहाज़ जो था एक अनसिंकेबल जहाज़ था जो कि कभी भी नहीं डूब सकता, ऐसा इनके ओनर्स ने और कैप्टन ने कहा था। ये एक ऐसा शिप था जो कभी भी नहीं डूब सकता था। और इस जहाज़ यानी टाइटैनिक को बनाने वाली कंपनी वाइट स्टार लाइन नाम की कंपनी जिसने इसको बिल्ड किया, उसके वाइस प्रेसिडेंट जो है, उसके वाइस प्रेसिडेंट बहुत कॉन्फिडेंट है और इतनी इस रिगार्डिंग को लेके और पब्लिक के सामने बोलते हैं, जिनका नाम है फ्लिप एस ए डॉट एस फ्रेंकलिन, जो कि बहुत कॉन्फिडेंट है पब्लिक के सामने कि ये जहाज़ एक सिंकेबल, एक अनसिंकेबल जहाज़ है जो कभी भी नहीं डूब सकता। पब्लिक में उनके बहुत चर्चे हैं क्योंकि उन्होंने टाइटैनिक को अनसिंकेबल जहाज़ कहा था। बट अपने सफ़र पे रवाना होने के 2 ही दिन बाद RMS टाइटैनिक को उसकी पहली आइसबर्ग की वार्निंग मिल जाती है। टाइटैनिक 2 बार अपने रुख को चेंज करता है और 2 आइसबर्ग्स को क्रॉस करते हुए आगे की तरफ निकलता है, बट अपनी स्पीड को स्लो नहीं करता। वो अपनी स्पीड को 21.5 नोट्स यानी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रहा होता है। बहुत सारे लोगों ने इनको कहा भी होता है कि टाइटैनिक की स्पीड को स्लो किया जाए क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग से इनको पहले से नोटिफिकेशन भी मिला हुआ होता है। बट कैप्टन जॉन स्मिथ, एडवर्ड स्मिथ और उनके साथी जो होते हैं,
जॉन मार्शल वो दोनों टाइटैनिक की स्पीड को स्लो नहीं करते, ये सोच के, क्योंकि ये एक अनसिंकेबल जहाज है। ये शिप एटलांटिक ओशन से ट्रैवल कर रही होती है, तैर के अमेरिका की तरफ जो है वो बढ़ रहा होता है। वहाँ पर बड़े बड़े आइसबर्ग मौजूद होते हैं, पहाड़ के जो पहाड़ टाइप के बने हुए होते हैं, जो जहाज़ के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरे का सबब भी बनते हैं। ये वार्निंग्स कोई इतनी अनयूजुअल थिंग नहीं होती, बट समंदर के गुजरने वाले अक्सर जहाज़ जो होते हैं वो रेडियो के ज़रिए करीब वाले जहाज़ों को बता देते हैं कि समंदर के इस वाले एरिए पे बहुत ज़्यादा बर्फ़ है, सो लिहाजा ध्यान रहे कि आगे बढ़ने से पहले कि आइसबर्ग को ज़रूर देखा जाए, इसकी आइसबर्ग की वार्निंग को देखा जाए और उसको फॉलो करते हुए आगे बढ़ा जाए। जहाज़ ऐसे करते करते अपना एंगल बदलता है, लेकिन टाइटैनिक अपनी स्पीड को स्लो नहीं करता। एनीवेज 2 दिन बाद टाइटैनिक को उसकी 7 मज़ीद आइस वार्निंग मिल जाती है, बट कैप्टन स्मिथ और उनके दोस्त जॉन स्मिथ इस वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं और टाइटैनिक की रफ्तार को में कमी नहीं लेके आते। धीरे धीरे सूरज ढल जाता है, रात हो जाती है। 14 अप्रैल की रात की ख़ास बात यह है कि चांद बाहर नहीं आया था। जहाज़ के ऊपर एक क्रूज़ नेस्ट होता है, जो कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे किसी एक से दो बंदों को बैठा दिया जाता है ताकि जहाज़ का एक पॉइंट जो है, एक पॉइंट टाइप का ये बना हुआ होता है, ताकि यहाँ पे जो दो बंदे बैठे हुए हैं इनमें से कोई एक बंदा जो है, अगर एक को नींद आ जाए, एक को ठंड लग रही हो, तो दूसरा बंदा जो है वो ऑब्स्ट्रक्शंस को देखे, कोई आगे कोई ट्रैफिक तो नहीं आ रहा, कोई ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं आ रही। बिकॉज़ यहाँ पे इंसान को ठंड बहुत लगती है, क्योंकि क्रूज नेस्ट होता है। और बेसिकली ये जो टाइटैनिक है, ये एटलांटिक ओशन पे ट्रैवल कर रहा है, जहाँ पे आइसबर्ग बहुत ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे ठंड भी बेइंतहा होती है। तो जो बंदा क्रूज नेस्ट पे बैठा हुआ है वो देख रहा है आगे के ट्रैफिक्स को, कि आगे कोई ट्रैफिक तो नहीं आ रहा। 11:43 पे फ्रेडरिक फ्लीट नाम का एक बंदा, जो कि आपके सामने ही है, फ्रेडरिक फ्लीट नाम का एक बंदा जो है वो टाइटैनिक पे बैठा हुआ है, और उसको अचानक से एक ह्यूज सा आइसबर्ग नज़र आता है और वो घबरा जाता है और अचानक से बेल को प्रेस करता है और कॉल करता है और चीख चीख के बोलता है कि टाइटैनिक का रुख बदलो, ब्रिज पे मौजूद विलियम मर्डोच नाम के एक बंदे, डायरेक्ट कैप्टन, जाके इंजन रूम को कंट्रोलर को जाके बोलते हैं कि फटाफट से टाइटैनिक का जो रुख है वो चेंज किया जाए। टाइटैनिक का रुख चेंज करने में ही, बट इतना टाइम नहीं होता टाइटैनिक का रुख चेंज करने में, और 11:40 पे अपना टाइटैनिक जो है वो आइसबर्ग से टकरा जाता है। ये आइसबर्ग भी कोई छोटा मोटा आइसबर्ग नहीं था, दिखने में ये फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा था, ये 200 बाय 400 फीट का था, और टाइटैनिक जो है वो इससे टकराते टकराते पूरा साइड बॉटम से, राइट साइड से बिल्कुल इसको ट्रैश करता हुआ निकलता है और इसको बिल्कुल फाड़ देता है, जिसकी वजह से इसके कंपार्टमेंट पे पानी भर जाता है। फिर से अगर एक बात रिपीट करूँ तो इस जहाज़ को अनसिंकेबल जहाज़ कहा गया था, क्योंकि इस जहाज़ में दो बड़ी खासियत ये थी कि एक ये कि इस जहाज़ के अंदर डबल बॉटम हल था। बॉटम हल उसे बोलते हैं जिस पे जहाज़ का स्ट्रक्चर खड़ा होता है। डबल बॉटम हल का मतलब डबल बॉटम, यानी कि डबल स्ट्राइप से इसको बनाया गया है कि अगर एक हल टूट गया तो दूसरा हल इसकी सपोर्टिंग के लिए है। उसके अलावा इस शिप के अंदर 16 कंपार्टमेंट है, ये आपको इसमें शो नहीं हो रहे, बट इसके अंदर 16 कंपार्टमेंट है जो कि अलग अलग कुंत पे बनाए गए हैं। यानी अगर इसके 4 कंपार्टमेंट पानी से भर भी जाएं तब भी जहाज़ पानी पे तैरेगा, डूबेगा नहीं। बट जो आइसबर्ग से इसका ट्रैश हुआ था यहाँ से, वो उसके राइट साइड पे बॉटम्स बॉटम्स पे हुआ था, तो वहाँ पे तो सिंगल लेयर लगी हुई थी, तो हल वहाँ बेकार हो गया था। पानी भी 4 कंपार्टमेंट में नहीं, 6 कंपार्टमेंट पे भरा, क्योंकि जहाज़ जिस स्पीड से मूव कर रहा था उस स्पीड से छो के छो कंपार्टमेंट जो हैं वो बिल्कुल बुरी तरीके से डैमेज हो गए थे और फट गए थे, और पानी और उतनी ही रफ्तार से उन 6 कंपार्टमेंट में भर गया। तो इसका मतलब ये था कि टाइटैनिक को डूबना ही था। टाइटैनिक को चोट लगी, क्योंकि आइसबर्ग जो था वो काफ़ी बड़ा था,
आपके दिमाग में एक बात ये आ रही होगी कि आइसबर्ग जो है, एक आइसबर्ग ने एक मेटल को कैसे काट दिया, एक मेटल से बना हुआ जहाज है वो एक आइसबर्ग से कैसे कट गया। तो इसकी खास बात ये है, अगर आप ये समझ रहे हैं तो ये बहुत गलत है। अगर फ्रिज में मौजूद जो बर्फ के आइस क्यूब्स हैं, अगर आप उसको मेटल से ग्रीस करेंगे तो जाहिर सी बात है वो तो उसके ऊपर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा आइसबर्ग जो जिसका वजन अपने टाइटैनिक से ज़्यादा ही है, जिसकी साइंटिफिक रिसर्च की गई तो उसका वेट जो था 1.5 मिलियन टन्स था, जो कि एक जहाज़ से ज़्यादा हैवी है, तो वो जहाज़ को बिल्कुल भी नहीं बचा छोड़ेगा, वो बिल्कुल जहाज़ को चीरता हुआ निकल जाएगा। एक बेसिकली सी एक सिमिलरली एक छोटी सी एग्जांपल लेते हैं एक कार की, एक कार जो है और एक दरख्त की, कहने को एक दरख्त और एक जो आपका मेटल है उसमें बहुत फ़र्क है। मेटल दरख्त लकड़ी और मेटल में बहुत फ़र्क है, एक लकड़ी एक मेटल का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन तब भी अगर गाड़ी हमारी बहुत स्पीड में आके दरख्त से टकराए तो चकनाचूर हो जाती है। लाइक सिमिलरली बिल्कुल सेम एग्जाम्पल है टाइटैनिक की, टाइटैनिक के 6 कंपार्टमेंट पानी से जो हैं वो पूरे के पूरे फुल हो गए। इसके बाद टाइटैनिक में ये हुआ कि जो टाइटैनिक जो है वो एक साइड से बिल्कुल बुरी तरीके से टिल्ट होने लग गया, और टाइटैनिक में जो बैठे लोग थे, टाइटैनिक में बैठे लोग जो हैं वो ये बात को सोच रहे हैं कि ये जहाज़ कहाँ डूबेगा, ये तो एक अनसिंकेबल जहाज़ है, एक कोई बड़ा सा आइसबर्ग टकराया होगा बट ये तो एक अनसिंकेबल जहाज़ है, उनके नॉलेज में बात नहीं थी। हमारे मशहूर थॉमस एंड्रयूज और जॉन स्मिथ पहुँचते हैं। थॉमस एंड्रयूज जो हैं, इनका इंट्रो ये है कि ये आर्किटेक्चर हैं टाइटैनिक के, ये जाके एक मैप में देखते हैं कि क्या हुआ है टाइटैनिक के साथ। तो टाइटैनिक को देखने के बाद और कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ उनके साथ ही होते हैं, तो वो देखते हैं कि टाइटैनिक ये तो 6 कंपार्टमेंट भर गए, तो ये तो इसके तो बचने के कोई चांसेस नहीं है, तो टाइटैनिक तो डूब जाएगा। तो जॉन स्मिथ उनका मुंह बड़े हैरत से देख रहे होते हैं, वो ये सोच रहे होते हैं कि ये तो एक अनसिंकेबल जहाज़ है, ये किस तरह डूबेगा, ये तो नहीं डूब सकता। जब जॉन स्मिथ ने देखा कि टाइटैनिक अब डूबने वाला है, तो उन्होंने एक स्ट्रेस सिग्नल भेजे फ्रेडरिक फ्लिप नाम का बंदा जो था, जिसने पहले बताया था, वो कोलिजन के 20 मिनट बाद ही 12 बजे कैप्टन स्मिथ ऑर्डर करते हैं अपने क्रू मेंबर्स को कि एक रेडियो के ज़रिए एक डिस्ट्रेस सिग्नल सेंड करो, ताकि आगे आगे पीछे करीब में अगर कोई जहाज़ होंगे तो वो हमारे सिग्नल्स को पकड़ लेंगे और हमें बचाने आ जाएंगे। सीनियर रेडियो ऑपरेटर जैक फ्लिप्स हमारी इस कहानी के मेन हीरो हैं। जैक फ्लिप्स कौन है? जैक फ्लिप्स को हम आपको दिखाते हैं, एक मिनट, कैप्टन जैक फ्लिप्स सॉरी टू से, जैक फ्लिप्स की मेरे पास पिक्चर है नहीं, लेकिन जैक फ्लिप्स भी एक सीनियर रेडियो ऑपरेटर थे। तो वो रेडियो के जरिए रेडियो भेजते हैं, तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, फिर भेजते हैं, फिर सेंड करते हैं, मज़ीद सेंड करते हैं। आफ्टर 20 मिनट्स यानी 12:20 पे एक RMS कारपेथिया नामी जहाज़ होता है जो इनके डिस्ट्रेस सिग्नल को कैच कर लेता है, बट अनफॉर्चुनेटली इनका बैड लक होता है, वो जहाज़ इनकी तरफ टर्न ओवर तो करता है बट वो जहाज़ इनसे 107 किलोमीटर पर आवर दूर होता है, यानी 107 किलोमीटर इस जहाज़ से टाइटैनिक से दूर होता है। यानी अगर वो जहाज़ RMS कारपेथिया अगर अपनी टॉप स्पीड से भी टाइटैनिक की ओर पे आए, तो उसको 3.5 घंटे का टाइम लग जाएगा टाइटैनिक तक पहुँचने में। क्या ये जहाज़ टाइटैनिक 3.5 घंटे तक रह पाएगा पानी के ऊपर? जो पहली लाइफ बोट थी उसमें पैसेंजर की प्रोडक्शन के लिए, उनकी सेविंग के लिए उन्हें उतारी गई, इसकी कैपेसिटी 65% की थी बट उसमें 28% ही गए। ऐसा क्यों हुआ, जानेंगे इसको भी। उसके बाद रात के 1 बजे पानी इतना ज़्यादा भर चुका था जहाज़ के आगे वाले कंपार्टमेंट में कि जहाज़ का जो अगला हिस्सा था वो पानी के अंदर डूबने लगा। इसकी वजह से जो पीछे वाला हिस्सा था टाइटैनिक का वो बाहर आ गया। लाइफ बोट्स बहुत कम थी, बहुत शॉर्ट थी, ओनली 20 लाइफ बोट्स थी उस शिप में रात के 2:05 पे।
लास्ट लाइफ बोट उतारी गई पानी में। लाइफ बोट में ज़्यादा प्रायोरिटी वुमेंस और चिल्ड्रंस को दी गई। रात के 2:20 पर जहाज 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो गया और पानी में डूबने लगा। RMS टाइटैनिक, जो एक अनसिंकेबल जहाज़ था, 3 घंटे भी नहीं लगे इस पूरे जहाज़ को पानी के अंदर डूबने में। आखिर ऐसी क्या बात थी जो ये जहाज़ डूब गया? इस जहाज़ में क्या ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से ये डूब गया? RMS कार्पेथिया नामी जहाज़ जो कि 3:35 पर यानी अराउंड 4 AM के करीब टाइटैनिक के पास पहुंचता है, बट उनको फ्लोटिंग डेड्स बॉडीज नज़र आ रही होती हैं। टाइटैनिक की एक बड़ी वजूहत ये भी थी कि उसमें जिन लोगों को स्विमिंग नहीं आती थी वो तो ऑलरेडी मर गए, बट जिनको स्विमिंग आती थी वो भी नहीं बचे, क्योंकि वहाँ पे जिस पॉइंट पे टाइटैनिक डूबा था उस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा ही सर्दी थी, तो वो लोग हाइपोथर्मिया की वजह से मारे गए, यानी वहाँ पे पानी का तापमान -2°C पे था। इस वजह से अगर बंदा वहाँ को वहाँ पे स्विमिंग करना आ भी रही होगी तो भी बंदा नहीं बच पाएगा, क्योंकि वहाँ पे ठंड बेइंतहा थी। कैसा लगे अगर मैं आपको कहूँ कि वहाँ पे यानी टाइटैनिक से दूर 37 किलोमीटर की दूरी पे एक जहाज़ था, SS कैलिफोर्निया नामी जहाज़, जो टाइटैनिक के पैसेंजर्स को जो उसमें ट्रैवलर कर रहे थे उनको बचा सकता था। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। कैप्टन स्टेनली लॉर्ड जो कि कैप्टन थे SS कैलिफोर्नियन शिप के, रात के 12:20 पर जब फ्लेयर चलाई गई थी टाइटैनिक से, तो SS कैलिफोर्नियन के क्रू मेंबर्स ने वो फ्लेयर देखी थी। वो समझे भी थे कि एक टाइटैनिक में कोई प्रॉब्लम हो गई है या कोई ऑब्स्ट्रक्शंस है वहाँ पे या वो ख़तरे में है, तो उन्होंने कॉल करी कैप्टन स्टेनली लॉर्ड को कि टाइटैनिक से फ्लेयर्स वगैरह निकली हैं और आई थिंक यहाँ टाइटैनिक पे बहुत ज़्यादा कोई ऑब्स्ट्रक्शंस वगैरह हैं या कोई उनको इमरजेंसी है। तो स्टेनली लॉर्ड ने बोला अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, टाइटैनिक जो है वो बहुत बड़ी और लग्जरी शिप है और उसमें बहुत ज़्यादा अमीर लोग जा रहे हैं, वो पार्टियां कर रहे होंगे। उनकी इस गलत फहमी ने इतने सारे लोगों की जान ले ली कि उनकी छोटी सी गलत फहमी ने अगर उस वक्त उनका डिस्ट्रेस सिग्नल ऑन होता, यानी SS कैलिफोर्नियन का 11:15 पर SS कैलिफोर्नियन ने अपना जो रेडियो स्ट्रेस सिग्नल है वो बंद कर दिया, अगर वो खुला हुआ होता तो आज टाइटैनिक के जितने भी लोग आज मर गए हैं वो आज जिंदा होते। 705 लोग 705 वो लोग जो टाइटैनिक से टग बोट्स में उतर गए थे, RMS कार्पेथिया जहाज वहाँ पहुँचता है और सक्सेसफुली उनको बचा लेता है, लेकिन जो लोग टाइटैनिक में मौजूद थे फर्दर जो टग बोट्स में नहीं आ पाए, टाइटैनिक में 2200% की कैपेसिटी थी और उसमें 2200 लोग ही ट्रैवल कर रहे थे, बट टोटल 705 पीपल्स जो थे वो बचे थे और बाकी के जितने भी लोग बचे थे वो सारे के सारे डूब के मर गए थे। बिकॉज वजह मैं आपको बता चुका हूँ, टाइटैनिक एक बहुत बड़ी मिस्ट्री भी थी और एक बहुत बड़ा जहाज़ था। टाइटैनिक के डूबने की वजूहत जो थी वो बहुत सारी ये भी थी कि उसमें, जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, कि उसमें इन्होंने जो टग बोट्स वगैरह थी उसकी जो है थी कैपेसिटी, उसकी जो टग बोट्स जो थी आपकी वो बहुत कम थी। जैसे इन्होंने 20 टग बोट्स लगी थी, वो भी एक बंदे के कहने पे कि इसमें एक लाइफ बोट ज़रूर होनी चाहिए, बिकॉज इनके दिमाग में तो ये बात थी जॉन स्मिथ के और थॉमस एंड्रयूज के ये जहाज़ तो कभी भी नहीं डूबेगा। वाइट स्टार लाइन कंपनी ने जो कि इसको बनाया था इस जहाज़ को, वो ये बोल रही कि दिस शिप इज़ अनसिंकेबल, ये जहाज़ कभी भी नहीं डूबेगा, तो हमें इसकी क्या ज़रूरत है। सेफ्टी ड्रिल्स होनी थी इस जहाज़ में जो कि इसको सेफ करती, अगर उस दिन सेफ्टी ड्रिल्स हुई भी होती तो आज टाइटैनिक बिल्कुल भी नहीं डूबता, क्योंकि सेफ्टी ड्रिल्स जो है वो टॉप राइट बॉटम और टॉप लेफ्ट बॉटम के साइड्स पे होती थी, तो वो भी इन्होंने नहीं करवाई, जिसकी वजह से इनको इसका इम्पैक्ट जो था वो बहुत गलत पड़ा और टाइटैनिक जो था वो डूब गया। टाइटैनिक 2:20 पे प्रॉपर डूब गया था। इसको फाइंड करने में, टाइटैनिक के मलबे को ढूंढने में तकरीबन 70 साल का टाइम लग गया कि वो पानी के किस सरफेस पे डूबा हुआ है।
सितंबर 1985 में रॉबर्ट बेलार्ड और फ्रेंच ओशनोग्राफर एन लुइस मिचेल ने ढूंढा। ये वो दो बंदे थे जिन्होंने 1985 में टाइटैनिक का मलबा ढूंढा जो कि 3800 मीटर पे था, यानी 3.8 किलोमीटर की डीप पॉइंट पे था। ये टाइटैनिक के जो दोनों पार्ट्स थे जो आपस में टूटे थे वो पानी में 600 मीटर के बराबर एक दूरी पे मौजूद थे, यानी आपस में इतने दूर थे और आपस में ये पूरी तरीके से रस्ट का निशाना बन गए थे, बिल्कुल सड़ गए थे और बिल्कुल ही ख़त्म हो गए थे। कहते हैं कि 2030 तक में टाइटैनिक का नामो निशान समंदर में से मिट जाएगा और टाइटैनिक बिल्कुल भी पानी में नहीं दिखेगा। एक इतना बड़ा जहाज़ जो अनसिंकेबल, जिसको बनाने में 7.7 मिलियन 1912 के एरा में स्पेस पेंडेबल किया गया, इसके ऊपर एक्सपेंस जो आया, वो जहाज़ जो अनसिंकेबल था वो आज डूब चुका है। सो कहानी हमारी जो थी वो यहाँ आज तक की थी और होपफुली आपको ये कहानी अच्छी लगी हो। आई एम नॉट अ प्रोफेशनल पर्सन जो मैं बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कहानी बनाऊं और बिल्कुल वीडियो जो होती है प्रोफेशनल वीडियो मैं उस तरीके की नहीं बना सकता, बट मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि मैं जिस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना चाहता था और जो जो बंदे जो जो मॉडल रोल्स इसमें प्ले किए गए टाइटैनिक में और टाइटैनिक किस डायरेक्शंस में जो है वो जा रहा था, उसमें कौन कौन थे, उसकी क्या खासियत थी और उसमें कितना यानी कॉस्ट पड़ी उसको बनाने में, वो कितने टाइम पर डूबा, की चीज़ मैंने इस वीडियो में आपको बता दी है आपकी नॉलेज के लिए। और आप चाहें तो इसको प्रोफेशनलिटी चैनल पे भी देख सकते हैं, लोगों के बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स बैठे हुए और बेस और इसकी फिल्म भी बनी हुई है, बट मैंने एक सिंपल तरीके से इस कहानी को एक्सप्लेन करा और होपफुली आपको अच्छी लगी हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और दुआओं में याद रखें। खुदा हाफिज़।